हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का आज के मेरे नए व्लॉग में और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग आए हैं कफ परेड में। एक अंकल हैं जो 25 सालों से सेवपुरी और भेलपुरी बना रहे हैं और हम उसको आज कवर करने आए हैं। सबसे चीप और हाइजीनिक रास्ते पर बनाते हैं और बहुत सालों का अंकल एक्सपीरियंस। चलिए अब चलते हैं उनके पास, दिखाते हैं उनका प्रिपरेशन ऑफ सेवपुरी एंड भेलपुरी और उनकी कहानी सुनते हैं इस व्लॉग के जरिए। हम लोग पहुँच चुके हैं भेलपुरी वाले चचा के पास। इनका इनसे नाम जानते हैं पहले। आपका नाम क्या है चाचा? पुनराज मौर्या। क्या नाम है? पुनराज मौर्या। मौर्या जी, ठीक है। आप कितने सालों से भेल बना रहे हैं? 25 साल हो गया। 25 सालों से भेल बना रहे हैं ये कफ परेड एरिया में इन कुलाबा। तो अब हम इनका देखेंगे इनका प्रिपरेशन। इन देखो बहुत हाइजीनिक है और ग्लव्स पहन रखा है इन्होंने और काफ़ी मतलब इनकी सारा प्रिपरेशन पहले से किया हुआ है। ये सिर्फ भेलपुरी और सेवपुरी बनाते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनाते। और इनकी चटनी कौन सी वाली चटनी है? ये लाल वाली लहसुन का है। अच्छा, वो लहसुन की चटनी है। ये तीखा वाला है। इसमें क्या पड़ता है? मिर्ची, धनिया, पुदीना पड़ता है। अच्छा, और ये खजूर का है। खजूर की चटनी है। तो आपको मुंबई में कितना साल हो गया? 25 साल। 25 साल हो गया कपेट में। कफ परेड में यही सेवपुरी और भेलपुरी बनाते हैं 25 सालों से। तो आप कौन से एरिया में रहते हैं कि सिर्फ कफ परेड में रहते हैं? नहीं, कफ परेड में। कफ परेड में, ओके ओके, ठीक है। वैसे सेवपुरी काफ़ी यम्मी लग रही है आपकी और आपका क्वालिटी बहुत अच्छा। तो ये पूरी वगैरह आप कहाँ से लेकर आते हैं? ये तो पूरी कुलाबा का है। सब कुलाबा से लेकर आते हैं। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। और आप यहाँ पर रहते हैं आसपास की कहीं? सिर्फ यहाँ बिजनेस करने आते हैं, मतलब ये दुकान लगाने आते हैं? यहाँ दुकान लगाने आते हैं। और रहते कहाँ पर हैं आप? फाउंटेन में। फाउंटेन पे रहते हैं आप? अच्छा, टेस्ट करके बताएंगे, जरा चेक करेंगे इनकी पूरी की क्वालिटी कैसी है। देखिए इनकी पूरी की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। तो वैसे रास्ते पर आई डोंट फील कि इतनी अच्छी पूरी होनी चाहिए, बट है, काफ़ी टेस्टी दिख रही है। मैं टेस्ट करके बता देता हूँ। क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, ना ज़्यादा ऑयली है और सेव पूरी वाली पूरी के हिसाब से काफ़ी अच्छी पूरी है इनकी। चलिए इनका प्रिपरेशन देखते हैं। सेव कहाँ से लाते हैं आप? सेव भी वहीं से लाते हैं, गुलाबा से। गुलाबा से लेकर जरा मुरमुरा दिखाइए। तो थोड़ा 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 पास भाई, रास्ते पर गांव वाली फीलिंग आ गई। इतना अच्छा मुरमुरा, इतनी अच्छी क्वालिटी का मुरमुरा और रास्ते पर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। तो आप लोगों को एक चीज़ बतानी थी कि ये जो चचा हैं 2 किलोमीटर ट्रैवल करके अपने सर पर ये रेडी आप उठा कर लेकर आते हैं ना? उठा कर लेकर आते हैं सर। हाँ, ये अपने सर पर उठा कर लेकर आते हैं 2 किलोमीटर रोज़ ट्रैवल करके फाउंटेन टू कफ परेड आते हैं। या बिज़नेस मतलब यहाँ इनका धंधा लगाते हैं, बिज़नेस करते हैं, जो भी करते हैं। बट सोचिए इनकी मेहनत और डेडिकेशन, पिछले 25 सालों से सेम चीज़ रोज़। तो साफ सफाई तो काफ़ी लग रही है मुझे। ये सेवपुरी कितने की पड़ी है? 40 रुपये। 40 रुपये की एक सेवपुरी। बाकी जगहों से 10 रुपये ज़्यादा है, बट क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। और मुझे लगता है इतना हाइजीन और इतना साफ़ एक रास्ते पर छोटी सी रेडी लगाकर ये 40 रुपये में दे रहे, तो मुझे नहीं लगता कुछ बेकार है इतना। बट इनका आपका भेलपुरी का प्राइस कितना है? 40 है ना? भेलपुरी वो एक ही भाव दोनों का? दोनों सेम भाव का है। अच्छा, दोनों 40 रुपये का सेवपुरी, 40 रुपये का भेलपुरी, दोनों सेम भाव का है। बट बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से, ठीक है, वर्थ इट। बेहतरीन, खा रहा हूँ, मुँह में भर लिया है। पर हर चीज़ का अपना टेस्ट है। ये भले मुंबई की सेवपुरी है, पर जो इनकी चटनी है, जो इनका जो लाल वाली चटनी है, वो गांव की याद दिला रहा है यार। हमारे गांव में भी जो चाट वाट बनता है उसकी भी चटनियाँ ऐसे इस्तेमाल होती हैं, तो बहुत बेहतरीन है। अभी आपको दिखाते हैं भेलपुरी, दिखाते हैं भेल का प्रिपरेशन। और मुझे तो इनका हाइजीन देख के बहुत मज़ा आ गया। इतनी साफ़ सफाई, ये फुल साफ़ है, नीचे भी गंदगी नहीं है। और इनका जो भेल है, ये अंदर क्या है, सिल्वर कलर का क्या है? ये बटर पेपर टाइप लग रहा है। अच्छा, हाँ, सिल्वर वाला। अच्छा, ठीक है, ऐसे अच्छा है। ये मुरमुरा डाला आपने पूरी, कैरी, आलू, प्याज, चाट मसाला है। आ जा, ये चट्टी किस चीज़ की बना दिया? खजूर का।
खजूर की चटनी है ना? आप खाते हैं भाई? ये हमारा भेल तैयार हो गया। बस 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 ठीक है, क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है। 40 रुपीज़ के हिसाब से क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है। अब आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसा है ये भेल पूरी। यम्मी, काफ़ी अच्छा है। पावर इनका मुरमुरा का है, इनका सारा पावर मुरमुरा का है। इनकी चटनी में जो जलवा है, चटनी बेहतरीन है इनकी। आइए, एक अंकल आए हैं, उनसे पूछ के देखते हैं उनको कैसा लगता है इसका। तो आपको कैसा लगता है इनका सेव पूरी और भेल पूरी? हाँ, अच्छा लगता है। कितने टाइम से खा रहे हैं? अरे 7 साल हो गया। 7 साल आपको हो गया? हाँ। चलिए बढ़िया, ये 25 साल से लगा रहे हैं तो आप 7 साल से खा रहे हैं। और क्या खाएंगे अभी आप? भेल 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 पूरी। अच्छा ठीक है चलिए। इनको भी मतलब अच्छा लग रहा है, यहाँ पर जनता बहुत काफ़ी आती है इनकी, यहाँ सब आसपास के लोग बहुत आते हैं यहाँ पर, और कफ परेड में काफ़ी फेमस है ये, और बहुत सारी जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर उनके बाहर गेट्स पे जाके लगाते हैं, 1 घंटा यहाँ 1 घंटा वहाँ ऐसा। ये इनका सूखा भेल है। इनका सेव पूरी भेल पूरी मैंने खाया, बहुत मज़ा आया। और आपको जब भी आना है, इसको टेस्ट करना है कफ परेड में, मुंबई में जगह आसपास कभी भी आप गुलाबा आते हैं तो कफ परेड में एक बार इनके यहाँ पर रेडी पर ज़रूर आके विजिट करें। आप मोस्टली कहाँ कहाँ लगाते हैं चाचा? मैं कफ परेड लगाता हूँ। कफ परेड में कहाँ पर, कौन सी लोकेशन पर? सी लॉट बिल्डिंग है। सी लॉट बिल्डिंग, मेरे हिसाब से वो गेट के सामने, ताज प्रेसिडेंट गेट के सामने। ताज प्रेसिडेंट होटल है कफ परेड में, ताज विवांता, वो काफ़ी फेमस है, उसके एग्जैक्ट अपोजिट सी लॉट बिल्डिंग है, उसके बाहर लगाते हैं। राइट? हाँ ठीक है। एड्रेस डिस्क्रिप्शन में गूगल में आपके ज़रिए डाल दूंगा। चलिए अब मिलते हैं अगले व्लॉग में। अंटिल देन, नेक्स्ट टाइम, बाय।